देखो ध्यान दो, अब जैसे मान लो अगर हम 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब का सम निकालते हैं तो देखो ये होगा सिग्मा n क्यूब। अब देखो इसको भी हम बिल्कुल उसी प्रोसेस से निकाल सकते हैं जिसको अभी हमने निकाला था, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n स्क्वायर वाले को निकाला था। देखो जैसे ये निकालना है ना तो इसको लेके चलना पड़ेगा, x प्लस 1 की पावर 4 माइनस x की पावर 4 को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी जब हम लोगों ने 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर का रिजल्ट निकाला था तो x प्लस 1 की पावर 3 माइनस x की पावर 3 को लेके हम चल रहे थे, है ना। तो खैर जरूरत नहीं है इसको प्रूफ करने की, इसका रिजल्ट देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। इसको हम सिग्मा n का होल स्क्वायर भी लिखते हैं, ध्यान दो, है ना। तो इस रिजल्ट को हम याद रखें, है ना, सिग्मा n क्यूब की वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि सिग्मा n का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो अब इससे क्या होता है, हमने तीन रिजल्ट पढ़े, सिग्मा n पढ़ा, सिग्मा n स्क्वायर पढ़ा और सिग्मा n क्यूब पढ़ा, है ना। देखो ध्यान दो, जैसे बताया मैंने आपको भी, अगर कभी भी सिग्मा ऑफ कांस्टेंट आ जाए, है ना, तो जैसे k फ्रॉम 1 टू n है ना, ठीक है, तो क्या होगा, देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, k बाहर ले लेंगे सिग्मा 1, है ना, k फ्रॉम 1 टू n, है ना। या ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो सॉरी मान लो सिग्मा ऑफ ऐसा आ जाए, सिग्मा ऑफ k और n फ्रॉम 1 टू n ऐसा आ जाए मान लो, है ना। अब देखो जैसे इसका वेरिएबल जो है वो n है और k हमारा कांस्टेंट है, तो क्या होगा, k को बाहर ले लेंगे और सिग्मा 1 आ गया n फ्रॉम 1 टू n। अब देखो ये क्या होगा, n को 1 लेंगे तब भी 1, 2 लेंगे तब भी 1, 3 लेंगे तब भी 1, n लेंगे तब भी 1, तो ये 1 1 1 1 देखो n बार रहेगा तो ये हो जाएगा k into n, 1 1 1 1 n बार रहेगा तो देखो ये क्या हो जाएगा, k into n हो जाएगा, ध्यान, ठीक है। तो इस बात को याद रखो, अब जैसे मान लो अगर हमें सिग्मा ऑफ 2 की पावर n चाहिए और n फ्रॉम 1 टू n है, ठीक है, तो अब ध्यान देना, ये गलती मत करना, सिग्मा कोई 2 की पावर में नहीं चला जाएगा, ऐसा मत समझना कि 2 आ गया बाहर और सिग्मा n हो गया, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि सिग्मा को हम 2 की पावर में ले जाए। देखो हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, n को रखेंगे 1, n को रखेंगे 2, n को रखेंगे 3 और n को रखेंगे n। अब देखो ये एक जीपी बन गई, जीपी का सम क्या होता है, a ब्रैकेट में 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, है ना, a हो गया 2, r हो गया 2 और नंबर ऑफ टर्म्स है n, तो देखो ये आ गया 2 ब्रैकेट में, ये माइनस 1 होगा उसे ऊपर भेज दो तो 2 की पावर n माइनस 1 आ जाएगा, है ना, यहां से देखो माइनस 1 आएगा इसके ऊपर भेज दो तो 2 की पावर n माइनस 1 आ जाएगा, ध्यान दो, है ना। तो इन बातों का थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखो। अब बताता हूं मैं आपको इन चीजों को हम क्वेश्चंस में कैसे ऐड करेंगे, मतलब क्वेश्चन में कैसे इनको हम यूज करेंगे। तो ध्यान देना, जैसे अगर मान लीजिए सिग्मा ऑफ 2 है और n फ्रॉम 1 टू n है तो 2n लिख सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए सिग्मा ऑफ 4 है, है ना, और कुछ भी नहीं है तब भी वो 4n ही समझा जाएगा। जैसे अगर हम सिग्मा में कुछ भी ना लिखें इसका मतलब वो n की वैल्यू वेरी कर रही है, ध्यान दो, है ना। तो अगर हम खाली सिग्मा 4 भी यहाँ पर लिखेंगे तो वो 4n ही समझा जाएगा इस टॉपिक में, इस जगह पर, है ना, हर जगह नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये माना जाएगा कि n की वैल्यू ही वेरी कर रही है, है ना। तो इन बातों को जरा लिखो पहले ध्यान से, अब बताता हूँ मैं आपको इनको क्वेश्चन में कैसे यूज करना है।